Hello guys, welcome back to YouTube channel. आपका स्वागत है। इस बारे में आज मैं बनाने वाला हूँ पनीर। मतलब देखो मैं मटर बनाने वाला हूँ ठंडी। तो दोस्तों मैंने लिए ये टमाटर, उसके बाद दोस्तों मैंने लिए थोड़ी सी हरी मिर्च, और उसके बाद थोड़ा सा लिया मैंने दोस्तों अदरक, और दो मोटी मोटी प्याज, क्योंकि दोस्तों बिना प्याज के पनीर का क्या मतलब। और दोस्तों ये मैंने लिया 200 ग्राम पनीर। उसका दोस्तों मैंने इन सबको दोस्तों बारीक बारीक काट लिया, टमाटर हरी मिर्च अदरक, और दोस्तों मैंने ये प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक काट के रेडी कर लिया है। उसका दोस्तों मैंने ली कढ़ाई और नीचे जलाई दोस्तों आग। उसका दोस्तों मेरी कढ़ाई गर्म होगी, उसका दोस्तों मैंने डाला इसमें तेल। अब जैसे दोस्तों तेल हमारा गर्म हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे पनीर, और पनीर को दोस्तों हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पनीर हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, उसका दोस्तों हम पनीर को निकाल के दोस्तों हम इसमें प्याज को अच्छे से भून लेंगे, और दोस्तों हमने डाल दी हरी मिर्च। इन सबको अच्छे से हमें 5 मिनट तक अच्छे से भूनना है, और हमने इसको अच्छे से भून लिया है। उसके बाद दोस्तों जो हमने टमाटर डाले थे कटे हुए, उसको दोस्तों हम इसमें डाल देंगे, और दोस्तों अच्छे से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे, जिससे कि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। उसका दोस्तों हमने डाल दिया इसमें पनीर मसाला, हल्दी, और दोस्तों हमने इसमें डाल दी लाल मिर्च, क्योंकि दोस्तों मैं धनिया खाता नहीं, इसलिए दोस्तों धनिया मैं डालता नहीं। उसका दोस्तों अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे, और अच्छे से मिक्स करने के बाद दोस्तों 2 मिनट तक इसको हम अच्छे से भून लेंगे। जैसे हमारे फ्राई हो जाएंगे, उसका दोस्तों हम इसमें डाल देंगे मटर, और दोस्तों इसमें मटर अच्छे डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। और अच्छे से मिलाने के बाद दोस्तों फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो आपने पनीर काटा था, जो मैंने 200 ग्राम पनीर काटा था, उस पनीर को दोस्तों मैं इसमें डाल लूँगा। और डालने के बाद दोस्तों इसको मैं अच्छे से अब मिला लेता हूँ। देखिए दोस्तों कितना प्यारा इसमें कलर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। देखिए दोस्तों मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है, और देखने में दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसका दोस्तों मैं थोड़ा सा ही पानी डालूंगा, क्योंकि दोस्तों मुझे आए पनीर बनाना है गाढ़ा सा, क्योंकि दोस्तों पूड़ी के साथ गाढ़ा पनीर खाने में ही अच्छा लगता है। इसको फिर थोड़ा सा नमक डाल के 5 मिनट के लिए, सॉरी आधा घंटे के लिए ढक के रख देंगे। और देखिए दोस्तों हमारा मटर थी वो अच्छे दोस्तों फ्राई हो गई है, और हमारा पनीर दोस्तों बन के एकदम होटल जैसा रेडी हो गया है। उसका दोस्तों हमारी मैडम बनाने लगी दोस्तों पूड़ी, क्योंकि दोस्तों पूड़ी बनाना हमें आता नहीं है। पूड़ी जो लेडी बनाती है दोस्तों, लेडी के मुकाबले कोई बंदा पूड़ी नहीं बना सकता है, क्योंकि लेडियों के हाथों में रोटियाँ पूड़ियाँ बनाने का अलग ही तजुर्बा होता है। तो देखिए दोस्तों उन्होंने फूली फूली बना रही है पूड़ी। उसका दोस्तों अब ये हमें पूड़ी दोस्तों कराएंगे सर्व। फिर दोस्तों उन्होंने हमें पनीर किया सर्व। देखिए दोस्तों कितना देखने में कितना बढ़िया और कितना ज़बरदस्त लग रहा था। उसका दोस्तों इन्होंने रखी दोस्तों पूड़ियाँ, जो पूड़ियाँ इन्होंने फूली फूली बनाई थी, वो पूड़ियाँ दोस्तों उन्होंने बनाकर दोस्तों रेडी कर दी हैं। आप दोस्तों देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है देखने में पूड़ियाँ। बनता है